हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 12th का कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक। स्टूडेंट, इसमें सबसे हमारे फर्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा है? C++ का। और इसमें हमारे पास बेसिक नॉलेज है हमारी C++ की। स्टूडेंट, C++ क्या है हमारे पास? मैं जी आपको वैसे ही ओवरव्यू दे दूं, जी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसको हम क्या करते हैं, अपनी अगर हम पास्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बताएं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम अपने सिस्टम में डिफाइन करने के लिए और इसकी जो फंक्शन होते हैं उसको हम सेपरेटली क्या करते हैं, लिंक करते हैं वन टू अनदर, इनपुट एंड आउटपुट के रिलेशन डिफाइन करने के लिए। और इसी तरीके से स्टूडेंट, जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं उसका जो फोकस होता है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स एंड रियल वर्ल्ड के साथ होता है। और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं करेक्टर्स को, एंड जो इसकी करेक्टर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, जिसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जिसमें हम इसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड। और इसी तरीके से स्टूडेंट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के फॉर्म होते हैं वो कंबाइन होते हैं करेक्टर में। और इसी तरीके से हमारे पास जो प्रोग्राम का रियल मैप होता है उसमें हम सॉफ्टवेयर की वन टू वन बेसिक की सॉल्यूशंस को स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, उस पे वर्किंग करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग है वो हमारे पास जिस पर्पस के लिए इसको डिफाइन किया गया वो क्या थी, जो हमारी सी लैंग्वेज थी उसके जो मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पैकेज थे वो क्या करते थे, हमारे प्योर कोर ऑब्जेक्ट एंड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ क्या होते थे, इसके ऑब्जेक्ट एंड कोड क्या किए जाते थे, क्रिएट किए जाते थे। और इसी तरीके से जब हमें इनकी जो प्रॉपर्टीज थी उसके मेथड को डिजाइन करने के लिए C++ की डिजाइनिंग के जो मॉड्यूल थे उनकी जरूरत पड़ी। और इसमें जो हमारे फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट थे वो क्या करते थे, इसकी हेल्प करते थे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आ जाता है अगर हम कार के ऑब्जेक्ट के बारे में बताएं तो सबसे पहले अगर हमने इसकी प्रॉपर्टीज बतानी होगी तो हमारे पास प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, कलर्स आ जाएगा, नंबर्स ऑफ डोर्स आ जाएंगी, और जो जो चीजें हम इसमें लाइक करते हैं उसको डिफाइन कर देंगे। और अनदर मेथड जो हमारे पास आ जाता है जिसको हम इस पे यूज करेंगे वो हमारे पास आएगा एक्सेलरेट और ब्रेक, जो इसमें हमारी इसकी प्रॉपर्टीज के मेथड को डिफाइन करेंगी। स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट और ओरिएंटेड लैंग्वेज? स्ट्रक्चर जो प्रोग्रामिंग थी वो क्या करती थी, हमारे पास टॉप टू बॉटम को अप्रोच करती थी। जब भी हम इसमें कोई मॉड्यूल और टास्क को डिफाइन करते वो हम टॉप से स्टार्ट करते थे और बॉटम तक हमारा वन बाय वन एंड लाइन के जो कोड होते थे अकॉर्डिंग टू अपनी प्रोग्रामिंग के टास्क के अकॉर्डिंग ही उसकी डिफाइन करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई प्रिंटर को इनवॉइस देनी हो तो वो क्या यूज होगी, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में होगी। और इसी तरीके से जो हमारे पास क्लियर करेक्ट एंड प्रेसी डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो सभी हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। उसके उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम ऊप्स भी बोल देते हैं। जे स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, प्रोग्राम के सेक प्रोग्राम को हमारे जो प्रोग्राम है उसके जो टास्क थे उसको वो क्या करती थी, सेक्शंस में परफॉर्म करती थी, जिसकी वजह से जो भी इसके ऑब्जेक्ट थे वो क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम में दोबारा रीयूज कर सकते थे। और जो हमारे स्मॉल प्रोग्राम होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो अदर सॉफ्टवेयर होते हैं उसके जो ऑब्जेक्ट और मॉड्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शंस को डाटे के थ्रू उसमें हेल्प करते हैं और रीयूज कर सकते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर को अकॉर्डिंग टू जे हमारे जो ऊप्स के सपोर्टेड कंसेप्ट हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। स्टूडेंट, ये सभी जो हमारे पास कंसेप्ट हैं वो क्या करते हैं, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू C++। स्टूडेंट, जो हमारी C++ है वो क्या है, हमारे पास मोर पावरफुल लैंग्वेज है। ये क्या करती है, हमारे पास जब भी हमने कोई प्रोग्राम को जनरेट करना हो उसकी जो लार्ज एप्लीकेशंस होती हैं उनको वो स्मॉल प्रोग्राम में क्या कर देती है, क्रिएट कर देती है, जिसको हम CGI भी बोलते हैं, जिसको हम कॉमन गेटवे इंटरफेस बोलेंगे। और इसी तरीके से स्टूडेंट, जो हमारे पास स्क्रिप्ट होती हैं वो क्या होती हैं, डॉस के प्रोग्राम में। और इसके जो C++ है उसके प्रोग्राम को हम ऑलमोस्ट, हमारी जो इसकी नीड है वो हमें ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम में पड़ती ही है। और इसके जो क्रिएटर हैं C++ के वो क्या है, हमारे पास बेजरिन, सॉट्रेप्ट,
जो इसको इसके क्रिएटर हैं, और इसी तरीके से जो इसकी एप्लीकेशंस हैं उनको रिटर्न किया हुआ है लिस्ट बाय हिस्ट्री। जो हिस्ट्री है हमारे पास, इसको हमने 1917 में डेनिस रिचीज ने सी की प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको क्या किया था, क्रिएट किया था। और अर्ली 19 में जो हमारे पास बेल लेबोरेटरीज थी, उन्होंने क्या किया था, हमारी जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उनके साथ इनके बेस्ड की जो सी लैंग्वेज थी उसको क्रिएट किया। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, जब हमारे पास न्यू लैंग्वेज डिवेल्प हुई, बेजरेनी स्टोस्ट्रप ने की, तब इसको हम किस हमने इसको क्या नाम दिया, सी प्लस प्लस। स्टूडेंट, जो हमारे पास सेट्रोस्ट्रप स्टेट थी वो क्या करती थी, सी प्लस प्लस को उन्होंने गुड प्रोग्रामिंग को इजियर तौर पर डिवाइड किया था इंडिविजुअली प्रोग्राम में। और इसी तरीके से जो हमारे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम थे और जो इसकी लैंग्वेज थी वो क्या होती थी, एक्सटेंशन सी लैंग्वेज के थ्रू इसको हम सेव करते थे। और इसी तरीके से जो भी हमारे पास इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसको हम इंक्रीज बोलते हैं, और इसी तरीके से हमारे पास सी प्लस प्लस क्या थी, एक इंक्रीमेंटेड सी था जिसको हम एक्सटेंशन सी के साथ क्या करते थे, सेव करते थे, वर्जन ऑफ सी प्लस प्लस। स्टूडेंट, जो हमारे पास नाउ डे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के वर्जन है वो क्या है, विजुअल सी प्लस प्लस, बोरलैंड सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस, स्टैंडर्डाइज सी प्लस प्लस, जिसको हम ANSI सी प्लस प्लस भी बोलते हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर, स्टूडेंट जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है वो मोस्टली क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग के लिए ही पॉपुलर है। और इसी तरीके से जो सी प्लस प्लस के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो क्या करती हैं, समराइज करती हैं हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को, जिसको हम हेडर फाइल बोलते हैं, जिसमें हम सेक्शन की डेक्लारेशन करते हैं। ग्लोबल डेक्लारेशन सेक्शन आ जाता है, क्लास डेक्लारेशन आ जाता है, एंड मेथड डेफिनेशंस आती हैं। इसका जो मेन फंक्शन एंड मेथड डेफिनेशन सेक्शन होता है वो क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को वन बाय वन डिफाइन करवाता है। प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इशू, स्टूडेंट सी प्लस प्लस प्रोग्राम की जो कलेक्शंस ऑफ कमांड थी वो क्या करती थी, हमारे कंप्यूटर के जो कलेक्शंस ऑफ कमांड को, जिसको हम सी प्लस प्लस सोर्स कोड और जस्ट कोड कमांडर के थ्रू क्या करते थे, इसके कीवर्ड को बिल्डिंग ब्लॉक में हम इसकी लैंग्वेज की फंक्शनिंग को यूज करते थे। और इसी तरीके से अगर हम सिंपलर फॉर्म में देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोग्राम था जिसमें हम ऑलरेडी क्या हो जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे, जिसको हम बिट एंड आउटलाइन बुक भी बोल देते हैं, ये क्या करती है, हमारे सी प्लस प्लस की बुक को कंपोज्ड करती है सेक्शन में। और इसी तरीके से स्टूडेंट जो हमारे चैप्टर हैं इसमें वो क्या करेंगे, इसकी ऑल डिटेल्स को रिटन में एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। और हमारे पास जो इसकी एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्टअप अगर हमने करना हो सी प्लस प्लस का, उसका जो वन फंक्शन है वो क्या होगा, ऑलवेज मेन फंक्शन होगा। और इसको हम क्या है, प्रोग्राम के फर्स्ट एग्जीक्यूट के थ्रू इसको मेन फंक्शन को कॉल फंक्शन भी बोल सकते हैं। और इसमें जो हमारे मेंशन किए जाते हैं कंपाइलर, वो क्या करते हैं, हमारे पावर रिटर्न फंक्शन को क्या करते हैं, असेस करते हैं। और हमारा जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है वो क्या करता है, कंपाइलर में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता है, जिसको हम हैश इंक्लूड डायरेक्टिव भी बोलते हैं स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल, जहां पर हमें दी हुई है हेडर फाइल की, अगर हम हैश इंक्लूड, जिसको हम इनपुट आउटपुट, जो हमारे पास IO है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हम उसको बोलेंगे। स्टैंड थर्ड में हमारे पास क्या दिया है, यूजिंग नेम स्पेस STD। स्टूडेंट इसमें हम क्या है, अपने नेम में जो भी स्पेस देनी होगी उसके लिए यूज करेंगे। और इंट मेन, मेन क्या होगा, जब हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और हमारी ब्रेस स्टार्ट हो जाएगी। 7 पे है हमारे पास काउंट, अगर हमने इसमें क्या है काउंट करना है, हमारे जो ब्रैकेट में आएगा, हे यू आई एम लाइव ओ एंड हेलो वर्ल्ड, ये हमारे पास जो स्लैश एंड दिया हुआ है इसका मतलब है हमारे पास नंबर लाइन जो है, नंबर लाइन में जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रिंट होगा। CIN.get ये हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, डिफाइन करता है। और जो लास्ट में हमारी ब्रेस क्लोज हो जाती है, इसका मीन्स है भी जो भी हमारे कंपाइलर की फॉर्म है वो हेडर फाइल के साथ क्या हो गई है, बाहर निकल गई है। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर जैसे कि इंक्लूड हमारे पास क्या है, एक प्रोसेसर डिटेक्टिव है,
और इसमें जो कंपाइलर कोड हैं वो क्या करते हैं, हेडर की इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। और जो हमारे पास हेडर फाइल्स इंक्लूड की जाती हैं उसका जो असेस है वो डिफरेंट फंक्शन पर ही वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास काउंट फंक्शन है वो क्या करेगा, हमारे इनपुट आउटपुट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को चेक करेगा। और इसी तरीके से जो हमारे पास इसमें नेम स्पेस एसटीडी यूज किया गया है वो क्या है, हमारा कंपाइलर ग्रुप है जो हमारे फंक्शन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में इसको इंक्लूड करता है। और जो इंक्लूड लाइन टॉप है वो क्या करती है, हमारे प्रोग्राम में जो भी फंक्शन यूज किए जाते हैं उसमें हमारे पास उसको काउंट करेगी वन बाय वन। स्टूडेंट हमारे पास C++ का जो सेमी कॉलन पार्ट होता है वो क्या करता है, जो कंपाइलर है वो हमें एंड कमांड तक उसको इजीली सेमी कॉलन में उसके एंड कमांड को डिफाइन करता है। और इसी तरीके से जो हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है मेन की वो क्या करती है, हमारे कंपाइलर फंक्शन को इस फंक्शन में रिटर्न और इंटीजर में डिफाइन करती है। और जो कर्ली ब्रेस है वो क्या करेगी, हमारे सिग्नल्स को बिगिनिंग के और एंडिंग में हमारे फंक्शन के कोड को ब्लॉक करेगी। और इसी तरीके से हमारा बिगन एंड एंड मीनिंग जो है उस पर डिपेंडेबल है। स्टूडेंट जो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास वो क्या करती है, हमारे जो स्ट्रेंज स्ट्रीमर प्रोग्राम होते हैं उसकी लैंग्वेज को वो एक्सेप्ट करते हैं। और इसी तरीके से जो स्टूडेंट फंक्शन को डिस्प्ले करवाता है टेक्स्ट में वो क्या होगा, हमारे पास टेक्स्ट डिस्प्लेयर होगा। और जो हमारे पास जे सिंबल यूज किए गए हैं हमने लेस देन ग्रेटर देन जो सिंबल हैं वो क्या करते हैं, हमारे इंसर्शन ऑपरेटर के लिए यूज किए जाते हैं। आउटपुट के लिए हम अगर हमने अपना रिजल्ट देना हो तो हम जे वाले जो साइन है वो यूज करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट जो हमारे पास सभी फंक्शन है वो क्या है, एक कोटेशंस में कंपाइलर क्या करता है, वन बाय वन उसको रीड करता है। और इसका जो सीक्वेंस है वो एक्चुअली ट्रीट करता है सिंगल कैरेक्टर फॉर्म में। अगर हम अपनी कमांड्स को CIN.get के साथ डिफाइन करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे जो अनदर फंक्शन होते हैं वो भी कॉल हो जाते हैं। और अगर हमारे पास जो यूजर है वो क्या करेगा, इनपुट को यूजर्स के रिटर्न की के थ्रू हेल्प करवाएगा, तो हमारे पास जो न्यू कंसोल विंडो होती है वो क्या करती है, प्रोग्राम के और रन विंडो के साथ क्लोज करती है। और जो भी स्टूडेंट हमारी विंडो में इंक्लूड और गिवन प्रोग्राम दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, हिट एंटर के थ्रू इंक्लूड होते हैं हमारे प्रोग्राम रन ऑप्शन में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हमारे पास देखिए एक उन्होंने नेक्स्ट प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें उन्होंने क्या है, जो हमारी वैल्यू रिटर्न की गई है वो 0 है। और इसी तरीके से जो हमारे पास इंटीजर हैं वो क्या होते हैं, रिटर्न हो रहे हैं मेन में, जिसको हम इंट मेन फंक्शन भी बोल देते हैं। और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर रहा है, रिटर्न वैल्यू को यूज कर रहा है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम को सक्सीड करने के लिए। और इसी तरीके से जो रिटर्न वैल्यू 0 है उसका मतलब है भी हमारा जो रिटर्न है वो ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन के साथ क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। और जो इसकी मैनुअल वैल्यू होती है वो क्या होती है, रिटर्न होती है वन बाय वन। स्टूडेंट जैसे कि जे हमारे पास प्रोग्राम दिया हुआ है हैश इंक्लूड, जो हमारे सेम मेथड है जे हम क्या करेंगे, वन बाय वन उसी में यूज करेंगे। और इसी तरीके से जैसे टेंथ ऑप्शन टेंथ नंबरिंग में देखिए रिटर्न वन किया हुआ है, इसका मतलब जे है भी हमारा जो फंक्शन है वो टेन रिटर्न वन क्या करेगा, हम हमारे कंपाइलर को रनिंग फॉर्म में इसमें यूज कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टर सेट सेट ऑफ C++। स्टूडेंट्स सी में हम करेक्टर लिस्ट भी यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास डिजिट 0 to 9 होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास जो अल्फाबेट्स होते हैं वो लोअर लेटर में A to Z एंड अपर लेटर में भी A to Z जो सिंबल यूज किए जाते हैं। स्पेशल करेक्टर हमारे पास क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सक्लेमेटेड साइन, हमारे पास एट द रेट हैश डॉलर साइन परसेंटेज साइन एंड परसेंटेज लेस देन ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क, और जो हमारी स्लैश लाइंस हैं वो क्या सभी इसमें यूज की जाती हैं। बेसिक एलिमेंट्स, स्टूडेंट जो हमारे पास प्रोग्रामिंग के लिए सिंबल हम यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है, डिपेंड करते हैं सेट ऑफ रूल्स के कंस्ट्रक्शंस पर। और इसी तरीके से जो हमारे कॉमन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो क्या करती हैं, हमारे एलिमेंट्स को इस टाइप से डिस्कस करती हैं, जैसे कि करेक्टर सेट।
करैक्टर सेट जो स्टूडेंट हमारे लेटर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अपर एंड लोअर केस हम दोनों में लेटर्स को डिफाइन करते हैं। डिजिट, डिजिट हमारे पास क्या है, 0 to 9। एंड स्पेशल करैक्टर जो, जैसे कि अगर हमने स्पेस देनी हो, प्लस माइनस साइन यूज करना हो, ब्रैकेट हमारी आ जाती हैं, ब्रेसिस आ जाती हैं, जो भी हमारे कीवर्ड पे स्पेशल करैक्टर होते हैं वो सभी हम सी में यूज करते हैं। फॉर्मेटिंग करैक्टर, फॉर्मेटिंग करैक्टर स्टूडेंट हमारे पास बैक स्पेस, हॉरिजेंटल टैब, वर्टिकल टैब, फॉर्म फीड एंड कैरिज रिटर्न जो होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं। टोकन, टोकन भी स्टूडेंट क्या है, हमारे पास ग्रुप ऑफ करेक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास लॉजिकली बिलोंगिंग होती हैं, और ये क्या करती हैं, हमारे प्रोग्राम को राइट करने के लिए हमारे जो टोकन है वो स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जिसकी जो टाइप है जैसे कि कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लेटरल, पंचुएटर एंड ऑपरेटर। कीवर्ड क्या है स्टूडेंट, जो हमारे C++ में रिजर्व रखे जाते हैं, और इसके जो प्री डिफाइंड मीनिंग है वो क्या करेंगे हमारे कंपाइलर कीवर्ड के थ्रू वॉइड इंक्लूड जो क्या है वो हमारे सी के कीवर्ड हैं। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर स्टूडेंट हमारे पास सिंबल के नेम होते हैं जैसे कि C++ में यूज किए जाते हैं, और ये हमारे जो वेरियस डाटा आइटम के प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, सिंबॉलिक नेम में हम इसके आइडेंटिफायर को सीक्वेंस वाइज अपने करेक्टर सेट में क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसी तरीके से जो आइडेंटिफायर है वो कंसिस्ट करते हैं अल्फाबेट्स को, डिजिट्स को, अंडरस्कोर को, और जो हमारे इसका स्टार्ट होता है वो क्या है, हम इसको डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते। और C++ क्या है, हमारे पास एक केस सेंसिटिव है, इसमें हम अपर केस लोअर केस लेटर बोथ आर अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट इसको यूज कर सकते हैं, और इसमें क्या है कोई भी वर्ड को रिजर्व नहीं रखा जा सकता। लेटरल, लेटरल क्या है स्टूडेंट, जे हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट नंबर होते हैं, और जे क्या होते हैं, ना तो चेंज होते हैं ना ही इसकी वैल्यू को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के थ्रू। और इसको हम इंटीजर कांस्टेंट भी बोलते हैं, करेक्टर कांस्टेंट भी, फ्लोटिंग कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग। पंचुएटर, पंचुएटर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ब्रैकेट्स हैं जिसको हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट बोलते हैं, ये क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं हमारे सिंगल्स एंड मल्टी डिमेंशनल एरे स्क्रिप्ट में। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस क्या है स्टूडेंट, हमारे प्रोग्राम को ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए यूज किया जाता है, ये क्या करते हैं हमारे इंडिकेटर होते हैं फंक्शंस को कॉल करने के लिए, और जो हमारे फंक्शंस के पैरामीटर होते हैं उसकी ग्रुपिंग के एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ब्रेसिस, ब्रेसिस स्टूडेंट क्या है हमारे पास, जिसको हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसिस भी बोलते हैं, ये हमारे स्टार्ट एंड एंड कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए यूज किए जाती हैं। कॉमा, कॉमा क्या करता है, हमारे फंक्शंस के आर्गुमेंट की लिस्ट को सेपरेट करता है। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन स्टूडेंट हमारे पास टर्मिनेटर स्टेटमेंट के लिए यूज की जाती है। कॉलन, कॉलन इंडिकेट करता है हमारे लेबल स्टेटमेंट को, और कंडीशनल ऑपरेटर जो सिंबल होते हैं उसके लिए। एस्ट्रिक, एस्ट्रिक साइन स्टूडेंट हमारे पास एक पॉइंट डेक्लारेशन के लिए यूज किया जाता है, एज वेल एज हम इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। इक्वल साइन, इक्वल साइन स्टूडेंट जो है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज किए जाते हैं। पाउंड साइन, जिसको हम प्री प्रोसेसर डिडक्टिव भी बोलते हैं, सबसे पहले हमारी प्रोग्रामिंग जो है पाउंड साइन से ही स्टार्ट होती है। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर स्टूडेंट क्या है, हमारे पास एक स्पेशल सिंबल है जिसको हम यूज करते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और इसी तरीके से हमारे पास जो 6 टाइप्स के ऑपरेटर हैं वो क्या किए जाते हैं इसमें, जैसे कि अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, यूनरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर। स्टूडेंट इसमें जो हमारे सभी जे जो ऑपरेटर हैं जे हम मैथमेटिकल्स कैलकुलेशंस के लिए ही वर्क करते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ ए प्रोग्राम, प्रोग्राम का स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हम यूज किए करते हैं, अकॉर्डिंग टू हमारी बिगनिंग और एंडिंग के लिए हम हेलो वर्ड से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट फर्स्ट में हमारे पास क्या है, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। हमारे पास सेकेंड में आ गया हैश इंक्लूड IO इनपुट स्ट्रीम। थर्ड हमारे पास क्या है, जो भी हमने इसमें डिफाइन करना है जिसको हम स्पेस दे के नेक्स्ट क्या लिखते हैं, इंटीजर मेन। हमारे पास जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की होगी, और नेक्स्ट हमारे पास ब्रेसिस स्टार्ट होगी जिसको STDO डबल कॉलन के साथ हमने क्या किया है, हेलो वर्ड को प्रिंट करवाया है। और इसी तरीके से स्टूडेंट जो हमारे लाइट पैनल हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करते हैं
ग्रे नंबर के साथ। और इसी तरीके से जो लेफ्ट पैनल होते हैं वो हमारी लाइन नंबर्स को डिस्कसिंग प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, इसमें एक दी हुई है माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। जो हमारे पास डबल स्लैश है वो क्या करेंगी, हमारे जो साइन है इंडिकेटर के वो लाइन कमेंट्स के लिए यूज की जाती हैं। और इसी तरीके से जब भी हमने कोई अफेक्टिव बिहेवियर इस प्रोग्राम में डिफाइन करना हो तो इसमें जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होती है वो क्या करती है, उसको ऑब्जर्वेशन और कंसर्निंग के थ्रू कोड प्रोग्रामिंग में हमें ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवाती हैं। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। स्टूडेंट सेकेंड लाइन में हमारे पास इंक्लूड जो आईओ इन स्ट्रीम, ये क्या है, हमारी लाइन बिगनिंग है। और इसका जो हैश साइन है वो क्या करता है, हमारे डायरेक्टिव रीड एंड इंटरप्टेड को प्री प्रोसेसर के थ्रू हमें स्पेशल लाइन इंटरप्रेट करवाता है। और हमारी जो कंपाइलेशंस हैं प्रोग्राम की वो क्या करती हैं, हमारी केस डायरेक्टिव को इंक्लूड करती हैं। और जो इसके इंस्ट्रक्टर एंड प्री प्रोसेसर हैं वो सेक्शन स्टैंडर्ड को सी प्लस प्लस कोड में डिफाइन करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारी हेडर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या करती है, हमारे राइटिंग फॉर्म में इसकी प्रोग्रामिंग को आउटपुट में डिफाइन करती है, जिसको हम हेलो वर्ड भी स्क्रीन में बोल सकते हैं। ए ब्लैंक लाइन। स्टूडेंट ब्लैंक लाइन क्या है हमारे पास, जिसमें हमारे पास कोई अफेक्ट नहीं होता प्रोग्राम का, ये क्या करता है, हमें इम्प्रूव करवाता है रीडेबिलिटी के लिए। और इस तरीके से हमारे जो कोड हैं वो प्रॉपरली रीड हो जाते हैं। इंट मेन, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक इनिशिएट डेक्लारेशन फंक्शन है, जिसके हम असेंशली जो फंक्शन ग्रुप कोड होते हैं वो स्टेटमेंट में हम सबसे पहले नेम में ही गिवन कर देते हैं। अगर हम नेम मेन में ग्रुप में अपने कोड स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे तो जो हमारा फंक्शन की डिस्कस डिटेल है वो क्या करेगी, हमारी डेफिनेशन की इंट्रोड्यूस सक्सेशन को इंटीजर टाइप में हमें क्या करेगी, डिफाइन करेगी। और जो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस होती हैं वो क्या होती हैं, ऑप्शनली हम इसको इंक्लूड करते हैं पैरामीटर्स में। इसी तरीके से स्टूडेंट जब भी हमने अपने प्रोग्राम को रन करना है तो हमारा जो एग्जीक्यूशन है सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग को, वो सबसे पहले बिगिनिंग मेन फंक्शन से क्या करेगी, उसको लोकेट करेगी। और इसी तरीके से उस कोड को रीड करती ही नेक्स्ट फंक्शन में वो लाइन बाय लाइन चेक करेगी। फिफ्थ एंड सेवन, जिसमें हम पैरेंथेसिस में हमारी क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज ब्रेंथीज हैं। स्टूडेंट जो हमारी ओपन एंड क्लोज ब्रेसिज हैं वो क्या करती हैं, हमारी बिगनिंग एंड एंडिंग के लिए यूज की जाती हैं। और इस ब्रेसिज में हम फंक्शंस की बॉडी को डिफाइन करते हैं। और जो हमारा मेन फंक्शन है वो इसी फंक्शन की ब्रेसिज के थ्रू ही हमारी बिगनिंग एंड एंड डेफिनेशंस को इंडिकेट करता है। सिक्स्थ लाइन। सिक्स्थ लाइन में जो स्टूडेंट हमारे पास एस टी डी डबल काउंट और जो हमारे पास ये सिंबल ग्रेटर देन सिंबल हेलो वर्ड दिया हुआ है वो क्या करता है, हमारी स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन को एक्चुअल प्रोसीजर में डिफाइन करवाता है। और हमारे पास जो सम ऑर्डर के फंक्शन होते हैं जो उसके बॉडी पार्ट है थ्री टाइप्स के, जैसे कि फर्स्ट एसटीडीओ डबल कॉलन काउंट, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिफायर एंड है स्टैंडर्ड करेक्टर के। और इस तरीके से हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस है कंप्यूटर स्क्रीन की वो हमारे पास सेकंड इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू इंडिकेट करती हैं हमारी एस टी डी ओ डबल कॉलन काउंट को। और हमारा जो सेंटेंस है जिसको हम कोटेशंस में लिखते हैं वो क्या है, हमारे पास इंसर्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट है। अगर स्टूडेंट हम सेमी कॉलन की बात करें तो सेमी कॉलन क्या करता है, हमारे जो करेक्टर के मार्क्स होते हैं उनकी जो एंड स्टेटमेंट और जो जस्ट पीरियड सेंटेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो सेमी कॉलन के करेक्टर हैं वो मोस्ट कॉमन सिंटैक्स के थ्रू ही उस स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट जो हमारे पास नोटिस लाइन है वो क्या करती हैं, जो प्रोग्राम के एक्शंस हैं उसके कोड को एग्जीक्यूट करवाती हैं। और जो लाइन है हमारी जिसको हम बिगिनिंग बोलते हैं वो क्या करती हैं, हमारी डिडक्टिव प्रोसेसर के थ्रू ही इस लाइन की डेफिनेशन फंक्शन को वन बाय वन स्टेटमेंट की एंडिंग एंड फाइनल इंसर्शन के थ्रू ब्लॉक डेफिनेशन में मेन फंक्शन में कॉल करने के लिए हेल्प करती हैं। ये स्टूडेंट आपको उन्होंने वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू इसलिए आपको डिफाइन कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर इसकी फंक्शनिंग का
वन बाय वन क्या हो, अंडरस्टैंडेबल हो, क्योंकि आपको इसकी जो प्रोग्रामिंग है वन बाय वन लैंड लाइन टू लाइन ही वर्किंग करेगी। इसी तरीके से स्टूडेंट जो भी हमारे पास रिटर्न फॉर्म होती है वो क्या करती है, हमारे एग्जैक्ट एंड मीनिंगफुल प्रोसीजर के थ्रू ही वर्क करती है। अगर हम सेकंड प्रोग्राम की बात करें, जैसे कि माई सेकंड प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, इसमें अगर हमने लिखना हो तो हमारा फंक्शन जो है वो सेम ही आएगा, बट जो पहले में हमने क्या किया था, हेलो वर्ड को डिस्प्ले करवाया था, सेकंड में हम क्या करेंगे, आई एम सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ये क्या हो गया, हमारा जो फंक्शन है वो उसमें कॉल हो गया है। और इस तरीके से हमारे जो मेन फंक्शन है वन एंड टू, वो क्या है, हमारे पास सोर्स ऑफ कोड है जो डिवाइड हो गए हैं हमारे कोड लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरीके से स्टूडेंट जो भी हमारे पास इसमें अगर हमने कमेंट को डिफाइन करना हो, तो कमेंट क्या करते हैं, इनका जो ऑपरेशंस होता है वो हमारे जो हमारी प्रोग्रामिंग होता है उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं करता। ये क्या है, हम तब इसको डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करते हैं जब हमने अपने ऑपरेटर के सोर्स की प्रोग्रामिंग को ऑपरेट किया हो, तब हम कमेंट लाइन को डबल लाइन जो है हमारे पास स्लैश लाइन, उसमें हम कमेंट करते हैं। और जो हमारा सिंगल एस्ट्रामेटिक जो साइन होता है वो क्या करता है, हमारे ब्लॉक कमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट जो भी हमारे लाइन कमेंट हैं वो क्या करते हैं, पेयर्स ऑफ स्लैश में क्या करेंगे, उनके एंड ऑफ लाइन को डिफाइन करेंगे। और जो हमारी सेकंड लाइन के ब्लॉक कमेंट हैं उसको हम अगर हमने करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगल एस्ट्रिक साइन जो है उसके थ्रू ही उसको इंक्लूड करेगा मल्टीपल लाइंस के थ्रू। ये स्टूडेंट उन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है आपको, जो आप प्रॉपरली देखो, जैसे कि दिया हुआ है फर्स्ट में उन्होंने दिया गया फर्स्ट एस्ट्रिक साइन माई सेकंड प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस विद इन मोर कमेंट, नेक्स्ट में हमारे पास आ गया, इसको हमने क्लोज कर दिया, नेक्स्ट में हमारे पास फिर इंक्लूड हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई। और इसी तरीके से जो भी स्टूडेंट हम अपने प्रोग्राम, जैसे कि हेलो वर्ड आई एम इन प्रोग्राम, जहां पर देखो अगर हमने डबल स्लैश प्रिंट किया तो हमारा जो हेलो वर्ड है वो डबल प्रिंटिंग में आएगा, डबल प्रिंट में ही अगर हम सी प्लस प्लस कर रहे हैं तो हमारे इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है इसकी जो है आउटपुट हमें डिफाइन होगी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। स्टूडेंट जो नेम स्पेस है वो क्या करती है, हमारे सी प्लस प्लस के कोड को काउंट करने के लिए, और इसकी जो स्टैंडर्ड डबल कॉलन काउंट है वो क्या करता है, सेम ऑब्जेक्ट में इसको अनक्वालिफाइड करता है, और सेकंड में हम क्वालिफाइज करते हैं डायरेक्टली नेम स्पेस की स्टैंडर्ड वैल्यू को। और जो हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है वो क्या करती हैं, कमेंट्स को लाइब्रेरी में डिक्लेयर करवाती हैं, और हमारा जो नेम स्पेस है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे प्रोग्राम को क्वालिफाई करती हैं अकॉर्डिंग टू हमारी एलिमेंट्री की लाइब्रेरी में। नेम स्पेस जो है स्टूडेंट वो क्या करता है, हमारे जो स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट है वो क्या करेगा, उनके स्पेस को डिफाइन करेगा। और इसी तरीके से जो हमारे इनपुट के नेम स्पेस असेस होंगे उनको जो क्वालिफाइड होंगे वो क्या करेंगे, उसको विदाउट एसटीडीओ डबल कॉलन प्रीफिक्स में डिफाइन करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट जो आपको एग्जांपल दी हुई है रिटर्न फॉर्म में, ये क्या है, हमारे पास अनक्वालिफाइड यूजेस काउंट है जिसमें हम जितने मर्जी जो है काउंट जो है हम वर्ड को डिस्प्ले करवा सकते हैं अपनी नेम स्पेस स्टैंडर्ड फॉर्म में। वट इज मीन बाय एन ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, हमारे पास एक रन टाइम एंटिटीज है जो हम ऊप्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में यूज करते हैं, और जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है पर्सन की, जैसे कि प्लेस टेबल डाटा एंड आइटम, वो क्या होगा, हमारे प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। और इसी तरीके से जो भी हमारे पास रिप्रेजेंट डाटा होता है जिसको हम वेक्टर टाइम एंड लिस्ट बोलते हैं वो क्या करेगा, इनको रिप्रेजेंट करवाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मैसेज को इनहेरिट करते हैं, और हमारा जो ईच ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, कोड को मैनुपलेट करेगा। और इसी तरीके से जो भी हमारी प्रोग्राम की डिटेल होगी उसको डाटा कोड में वो डिटेल वाइज डिफाइन कर देगा। क्लासेस, क्लासेस क्या है स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्कूल की क्लास ही ले लो स्टूडेंट, वो क्या क्लास, अगर हमारे पास 12th क्लास है तो वो क्या होगा, हमारी सेम क्लास होगी, और 12th क्लास में जो हमारे पास कलेक्शंस होगी, जैसे कि 12th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर
एप्लीकेशन रखी है, कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर साइंस रखी है और कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो रखी हुई है। इस तरीके से कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स में। और अगर हम क्लास की बात करें तो जे क्या करता है, हमारे नंबर्स ऑफ जो क्रिएटर ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्लास में के साथ बिलोंगिंग होते हैं उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। और हमारा जो ऑब्जेक्ट का डाटा होता है वो क्या करता है, क्रिएट करता है हमारी क्लास को। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन स्टूडेंट हम रैपिंग को बोलते हैं। जब भी हमारा सिंगल यूनिट डाटा जिसको हम क्लास बोलते हैं उसको हम क्या होगा, हमारी इनकैप्सुलेशन होगी। और डाटा इनकैप्सुलेशन में हमारे पास मोस्ट जो स्ट्राइकिंग फीचर्स है क्लास का वो क्या करता है, हमारे डाटे को असेसिबल नहीं करता। और जो हमारा आउटसाइड वर्ल्ड है वो क्या करेगा, हमारे होल फंक्शंस को रैप करेगा क्लास की असेसिंग के अकॉर्डिंग। और इसका जो स्टूडेंट मेन फंक्शन है वो क्या करता है, इंटरफेस करता है ऑब्जेक्ट के डाटा एंड प्रोग्राम में। जो भी इसमें इंसुलेशंस होती है डाटा में वो क्या करती है, डायरेक्टली असेस करती है हमारे प्रोग्राम की डाटा हाइडिंग को। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस स्टूडेंट क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट की प्रोसेसिंग होती है जिसको हम क्लास में एक्वायर करते हैं वो हमारी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को अनदर ऑब्जेक्ट में क्या करेगी, इनहेरिट करवाएगी। और इसी तरीके से जो हमारा आइडिया रीयूजेबिलिटी होता है वो उसको प्रोवाइड करता है और इनहेरिट करता है हमारे आइडियाज को। क्लास में हम स्टूडेंट जब भी अपने फीचर्स को कंबाइन करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बोथ क्लासेस बन जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, एक अबिलिटी है वन ऑफ फॉर्म की। और इसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो एडिशन होते हैं और इसके जो ऑपरेंट हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन में वर्क करते हैं। और जो थर्ड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस होती है वो क्या करती है, हमारे ऑपरेंट्स एंड नंबर को जनरेट करती है अकॉर्डिंग टू सम में। सिंपल उन्होंने हमें एग्जांपल दी हुई है एक क्लास की। स्टूडेंट हमने सबसे पहले क्या है, क्लास की हम क्या एक एग्जांपल दे रहे हैं जिसमें हमारे पास मेथड वाई हम क्या करें, इंक्लूड एसटीडीओ स्ट्रीम हमारे पास सेम आएगा। और जो भी हम इसमें एसटीडीओ नेम स्पेस यूज कर रहे हैं और इसके जो क्लास है वो क्या है, हमारी रिक्टेंगल की। नेक्स्ट हमारी ब्रेस स्टार्ट होगी, रिक्टेंगल में हम क्या यूज करते हैं, विड्थ एंड हाइट यूज करते हैं। पब्लिक, पब्लिक में क्या करेंगे, हम वैल्यूज को सेंट करेंगे भी, हमारी जो वैल्यू हो वो हम इंटीजर टाइप में लेंगे। और जो हमारा इंट है, एक तो हमने एरिया के लिए लिया, सेकंड वाला हमारा जो है वो रिटर्न करवाएगा हाइट एंड विड्थ को मल्टीप्लाई करके। इसी तरीके से स्टूडेंट ये हमारी फर्स्ट क्लास हो गई। सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो सेकंड वॉइड क्लास रेक्टेंगल की है उसमें हम वैल्यूज को सेट कर रहे हैं। और इसमें हमारी जो इंटीजर वैल्यू हमने क्या पहले ही असाइन करवा ली है, एक्स एंड वाई। इसमें हमारे पास जो एक्स एंड वाई है वो क्या है, विड्थ एंड हाइट को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और जो हमारा मेन फंक्शन है रेक्टेंगल का वो क्या करेगा, हमारी वैल्यूज को सेट करेगा। एक्स एंड वाई में हमने क्या ले लिया, 3 एंड 4। और काउंट में हमारे पास क्या होगी, आउटपुट इसकी रिटर्न होगी। जैसे कि रिक्टेंगल का हमारा जो एरिया है वो हमें क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट 3 एंड 4 रिक्टेंगल का हमारा एरिया क्या आएगा, 12। और नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ये चैप्टर के जो मेन की पॉइंट है वो हमें जो रिमेम्बर इसमें करने चाहिए वो क्या हमारे पास आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर। इंजीनियर क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट में। और इसी तरीके से जो स्टूडेंट हमारे प्रोग्रामिंग है, जो जैसे कि आपको बताया ही है मैंने, टॉप एंड बॉटम में क्या करती है, अप्रोच करती है। और C++ क्या है, एक हमारे पास जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती है। और इसके प्रोग्राम को हम डॉस पे क्या करते हैं, रन करवाते हैं। और इसका जो डिवेलपर है वो क्या है, बेजरनी स्ट्रॉट्रैप। और प्रोग्राम की जो कोडिंग है इसमें हम सोर्स कोड एंड सोर्स कोड को जस्ट सोर्स कोड में ही राइट करेंगे। स्टूडेंट ये आपका चैप्टर क्या है, फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट में इसकी एक्सरसाइज लेकर कवर करूंगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।